कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर कदम उठा रही है, हर सहायता लोगों तक पहुंचा रही है। उस सहायता का जिसको मालिक बनाया गया है लोगों तक राशन पहुंचाने का, वो है कानून मंत्री बृजेश पाठक जी। हम उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं जी सर किस तरीके से लोगों को सहायता दी जा रही है। सर हमने अपने घर ही पर कंट्रोल रूम खोला है। कंट्रोल रूम में जो भी फ़ोन कॉल्स आते हैं उनको हम राशन उपलब्ध कराते हैं। लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों को प्रतिदिन हम भोजन दे रहे हैं। किस तरीके से लोगों से बात होती है आपकी, किस तरीके से सहायता वो लोग मानते हैं आपसे? दरअसल वो फ़ोन कॉल करते हैं और अब तो दरअसल क्योंकि समय व्यतीत बहुत हो चुका है, अब मुझे पॉइंट्स भी पता है कहाँ भोजन भेजना है और भोजन तैयार करके फिर उन पॉइंट्स पर हम भोज देते हैं। गाड़ियाँ सभी गई हुई भोजन देने के लिए। क्या सर कुछ लोग अपना पसंदीदा भी भोजन मंगाते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लोग कहते हैं कि आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, कुछ विशेष आ जाए तो उनके इच्छानुसार जो भी मैं बनवा सकता हूँ भेजता हूँ। किस तरीके से जो लोग आपको सहयोग दे रहे हैं, क्या सहायता जो है पब्लिक से मिल रही है आपको? नहीं, पब्लिक पूरी मदद कर रही है और सब लोग दरअसल एक तो भीड़ नहीं जुटा रहे और शासन के जो निर्देश हैं लॉकडाउन के उनको अनुपालन कर रहे हैं। मैंने सबसे अनुरोध किया है कि जब भी आपको बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति निकलना पड़े बगैर मास्क के करने निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की नीति को अपनाएं और ज़्यादातर समय अपना घर में गुजारें, बाहर निकलने की चेष्टा न करें। कोरोना से बचाव एकमात्र तरीका है कि अपने घरों में रहें। सर किस तरीके से प्रदेश सरकार जो है अगला कदम क्या उठा रही है इससे निपटने के लिए? दरअसल इसका एकमात्र रास्ता अपने घरों में रहने का है। स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा है उसको अपनाएं, अपने घरों में रहें, तभी कोरोना को हम हरा पाएंगे। सर ये भोजन का जो पैकेट जा रहा है किस तरीके से, कच्चा जा रहा है या पका हुआ भोजन जा रहा है? हम दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे भोजन जो लोग अपने कच्चे भोजन की डिमांड करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उनको हम कच्चा भोजन आटा दाल चावल और जो भी सब्जियां हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। डेली कितने लोगों तक ये भोजन पहुंचाया जाता है? लगभग 7 हज़ार पैकेट हम बनवाते हैं और कच्चा भोजन भी 300-400 लोगों परिवारों तक जाता है। कितनी गाड़ियां इस कार्य में आपकी लगी हुई है? 4-5 गाड़ियां हैं जो समय समय पर भोजन लाती हैं और पहुँचाती हैं। सर ये सहयोग पूरे जो है लॉकडाउन तक जारी रहेगा या? हाँ, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम इस तरीके से लगे रहेंगे। तो ये तो मेरे साथ बात करने के लिए जो है कानून मंत्री बृजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस तरीके की परिस्थितियां बनी रहती है तब तक हमारी सरकार और हम इस पर जो है लोगों के बीच में सहयोग करते रहेंगे और ऐसे जो है लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करते रहेंगे। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ शकील अहमद, लखनऊ।